महाराष्ट्र में सत्ता और सिंहासन के घमंड में चूर रहने वाले उद्धव ठाकरे कभी मीडिया से सीधे बात नहीं करते थे। उद्धव का अंदाज भी अड़ियल था, कई बार पत्रकारों को भी उद्धव लपेट देते थे। एकनाथ शिंदे गुट के बगावत से लेकर इस्तीफे तक उन्होंने जनता को फेसबुक लाइव के जरिए ही संबोधित किया था। उन्होंने कभी मीडिया से सीधे तौर पर बात नहीं की और कभी सवाल जवाब के सेशन में नहीं आए, लेकिन सत्ता और पार्टी हाथ से जाते ही उद्धव ठाकरे के तेवर बदल गए हैं। उन्होंने अपने पैतृक आवास मातोश्री पर मीडिया को बुलाया है और इस दौरान उन्होंने शिवसेना में पैदा हुए संकट को लेकर बात भी की, जबकि आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा शुरू कर दी है। वहीं उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के फैसले ने भी बदलाव के संकेत दिए हैं। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र और देश की नजरें उद्धव ठाकरे पर है कि वो बागी नेता एकनाथ शिंदे के सीएम बनने और अब शिवसेना पर ही दावा ठोकने के बाद क्या कदम उठाएंगे। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से कहा था कि समय आने पर वो एक अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए तैयार भी रहें। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ये आभास हो गया है कि वो शिवसेना पर दावे की जंग सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में हार भी सकते हैं। ऐसा होने पर उन्हें पार्टी का सिंबल धनुष बाण छोड़ना पड़ सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे के तेवरों से पता चलता है कि वो बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और राष्ट्रपति चुनाव से क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कितने लोग एकनाथ शिंदे गुट में हैं। आशंका है कि शिवसेना के 18 सांसदों में से ज्यादातर एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन करते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, जो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। वहीं एनसीपी और कांग्रेस यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी शिवसेना की तस्वीर हो सकती है कि पार्टी पर शिंदे के दावे में दम है या उद्धव ठाकरे के दावे में दम है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।